तो आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय यानी चरक सिद्धि स्थान का चतुर्थ अध्याय जो कि स्नेह वस्ती के रिलेटेड है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्नेह व्यापद सिद्धि। तो क्या यहाँ पर स्नेह पान के विषय में बात होगी? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्नेह वस्ती के विषय में बात होगी। इसके पहले हमने नीरू वस्ती के बारे में बात किया, अब हम लोग स्नेह वस्ती यानी अनुमासन वस्ती के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं वो आपसे डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो कि एग्जामों में यूपीएससी हो, एआईपीजीटी हो, स्टेट बीएससी हो, उसमें आते रहते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बात हम लोग कर लेंगे, बस्ती जो है या स्नेह बस्ती ये किन दोषों पर काम करती है? क्या ये केवल वात पर काम करती है, पित्त पर या कफ पर? तो ऐसा नहीं है, तीनों पर काम करती है। स्नेह वस्ती निबोध में निबोधेमान वात पित्त कफापान, तो तीनों दोषों पर काम करती है स्नेह वस्ती, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं 10 मूलादि इस अनुमासन बस्ती। तो इसमें सारी चीजें याद नहीं करनी है, 10 मूल आप लोग जानते ही हैं और रासना इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसके लिए एक ही बात पूछी जाती है, सर्ववात विकारनुत कौन सी वस्ती है? ठीक है, सर्ववात विकारनुत, तो 10 मूल 10 मूलादि अनुवासन वस्ती। ठीक है, आगे बढ़िए। और आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि है उरु स्तंभ से रिलेटेड। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? उरुस्तम हाँ, राढ़वात या उरु स्तंभ में पंचकर्म क्या करते? नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा तेल है जिससे जिससे जो है उरु स्तंभ में अनुमासन वस्ती कर सकते हो, उस तेल का क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सैंधवादी तेल या सैंधवादी अनुमासन तेल। तो इसमें सैंधव स्टार्ट हुआ है, सैंधवम मदनम कुष्ठम सत्वाहम निचुलम वचाम। तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उरु स्तंभ में वैसे तो पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट सैंधवादी तेल की अनुमासन वस्ती इसमें इंडिकेटेड है। एक और क्वेश्चन, सैंधवादी जो तेल है उसमें किस तेल का उपयोग किया जाता है? एरंड का, तिल का, एरंड या तिल दोनों का कर सकते हैं, या एरंड और तिल दोनों का एक साथ करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, एरंड या फिर तिल तेल का, जैसे एरंड एरंड या तिल तेल। समझ रहे होंगे आप लोग किस प्रकार की बात यहाँ पर चल रही है, कि सैंधवाती अनुमासन वस्ती पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड आढ़्यवात रोग में भी सैंधवादी अनुमासन वस्ती की जा रही है, इसमें किस तेल का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, एरंड तेल या फिर तिल तेल। कुछ लोग इसको बोल देते हैं एरंड तेल प्लस तिल तेल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये कफ रोग के लिए सैंधवादी तेल इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मदन फल तेल के बारे में। तो मदन फल तेल, जैसा कि बताया जाता है, मदन फल जो है वमन कराने के लिए माना गया है, तो इसीलिए चरक ने इसे कफग्न बोला है, वहीं सुश्रुत ने इसे वातग्न बोला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुश्रुत के अनुसार मदन फल किस दोष पर काम करता है, आप क्या कहेंगे? वातग्न। ठीक है, मदन फल तेल चरक के अनुसार, चरक के अनुसार मदन फल तेल क्या है? कफग्न कफग्न। और सुश्रुत के अनुसार मदन फल तेल क्या है? वातग्न वातग्न। इन दोनों का जो सिस्टम है आप लोगों को क्लियरिटी होनी चाहिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं
आगे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि निरुवस्ती व्यापद कितने होते हैं। आप लोग बताइए निरुवस्ती व्यापद टोटल में कितने होते हैं। टोटल निरुवस्ती व्यापद कितने होते हैं, तो निरुवस्ती व्यापद जो होते हैं 12 होते हैं, और स्नेह वस्ती यानी अनुवासन वस्ती के व्यापद जो है 6 होते हैं। ठीक है, ये आधा होती है, व्यापद जो है इसकी आधा होती है। और मात्रा कितनी होती है, जैसे निरु की मात्रा 1 है, तो अनुवासन वस्ती की मात्रा कितनी होगी, 1/4। याद रखिएगा मात्रा 1/4 हो जाता है, और व्यापद 1/2 है, 12 था और 6 स्नेह व्यापद और निरु व्यापद। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अनुवासन बस्ती से लाभ, या इसे की या कह सकते कि अनुवासन बस्ती की प्रशस्ति क्या है। ठीक है, ये प्रशस्ति वाला आपको सिस्टम बताया जा रहा है। तो व्याधि व्यायाम कर्म अध्व क्षीण क्षीण बल निरोध दशा क्षीण शुक्र से चा अतीव स्नेह वस्ती बल प्रदान। तो जिसका शुक्र क्षण क्षीण हो गया है उसके लिए भी है, और जो कर्म व्याधि से परेशान हो गया है, बहुत लंबी बीमारी से जब लोग ग्रस्त रहते हैं तो उनके शरीर में कमजोरियां आ जाती हैं, उन कमजोरियों के लिए अनुवासन वस्ती से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं। आगे हम लोग ये देख रहे हैं स्नेह वस्ती के, इसमें और भी बात है, पाद जंगो पृष्ठ कटीनाम स्थिरताम परम। तो ये जो है स्थिरता लाता है इन क्षेत्रों में, पाद जंगा पृष्ठ शक्ति, और जनयेत प्रजानाम च प्रजा स्त्रीणाम च स्त्रीणाम तथा नृणाम। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि ये तो वाजी कारक योग के विषय में बताया जा रहा है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, वाजी कारक योग के बारे में, बट ऐसा नहीं है, ये अनुवासन वस्ती की प्रशस्ति है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिए, जनयेत प्रजानाम च प्रजा स्त्रीणाम तथा नृणाम। तो ये जो है ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग 6 व्यापद होते हैं। तो 6 व्यापदों में वात से आवृत, पित्त से आवृत, कफ से आवृत, अत्यधिक भोजन किए हुए को अनुवासन दे दिया गया, या फिर बिल्कुल ही खाली पेट अनुवासन दे दिया गया, या फिर मल से आवृत, ये जो है कुल मिलाकर 6 स्नेह व्यापद होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये की जा रही है कि इसमें कारण क्या होता है, कारण क्या है। तो मान लीजिए आपने शीतल बस्ती दे दिया या अल्प बस्ती दे दिया, शीतो अल्पो वादधिको, तो ये वात को बढ़ाने वाला हो जाएगा, वा अधिके वात, ये जो है वात को बढ़ाएगा। उष्ण ज्यादा दे दिया अनुवासन वस्ती तो पित्त को बढ़ा देगा, और मृदु अगर दे दिए तो कफ को बढ़ाने वाला होगा। तो ये 3 व्यापद इस तरह से हो गए, यानी शीतलता के कारण वात का, उष्णता के कारण पित्त का, और मृदुता के कारण कफ का बढ़ोतरी करेंगे। अति भुक्त में गुरुता के कारण दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अति भुक्ते गुरु, ये जो गुरु शब्द है इसको नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए वर्ष संचय हो गया है, मल का संचय हुआ है शरीर में, उस समय अगर आप देते हैं, उस समय आप अनुवासन वस्ती अगर लगाते हैं, तो दोषों की इतनी अधिक प्रबलता होती है मल के संचय के कारण कि आपकी औषधि का जो बल है उसकी जो बल है वो कम हो जाती है, मतलब इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो इसलिए ये जो है ये क्या करता है, ये अपना कार्य नहीं कर पाता, इसने बाहर नहीं निकल पाता है, इसने अपना अयोग दर्शा देता है। मान लीजिए अभुक्त यानी भोजन नहीं किया है तो क्या समस्या आएंगी, अगर
भोजन थोड़ा भी नहीं किया, अनुवासन दे दिया जाता है, तो क्या होता है, स्नेह जो है अनुवासन ऊपर उठने लगता है, उसके ऊपरी मार्गों से बाहर आने लगता है, जैसे कि मुख से निकलने लगेगा, उसके नाक से निकलने लगेगा। तो अनुवासन वस्तु ऊपर की ओर चली जाती है, समझ रहे हैं? अगर आपने अभुक्त ले लिया है तो ये कुल मिलाकर वस्तु दोष कितने होते हैं? 6 दोष होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद देखिए ये जो सिम्टम बताए जा रहे हैं, सिम्टमों पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं बनते हैं, देख कर ही आप बता सकते हैं कि क्या सिम्टम आएंगे। तो सिम्टमों को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, एक सिम्टम के इलाज के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर कंठ से ऊर्ध्व गति से बाहर होने लगा, सिम्टमों को हमने छोड़ा है, वो कॉमन है, जैसे वात पित्त कफ का सिस्टम चलेगा वहां पर। अगर मान लीजिए बस्ती जो है कंठ प्रदेश से बाहर आने लगी, मुख से बाहर आने लगी, तो उसकी क्या चिकित्सा आप करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तो उसमें चिकित्सा का पैटर्न क्या रहेगा? स्तंभन औषधि लीजिए। स्तंभन कंठग्रह यानी कंठ को दबाना और विरेचन, ठीक है। स्तंभन यहां पर लिखा हुआ देखिए, स्तंभन कंठ ग्रह और विरेचन। इसके साथ ही साथ छर्दी छर्दिग्न औषधियों का आपको करना है, क्योंकि ऊपर की ओर आ रही मटेरियल को आपको नीचे भेजना है, तो आपको विरेचन कर्म करना होगा या फिर आप छर्दी के अपोजिट चिकित्सा कर दीजिए। तो ये जो 4 मेथड हैं ये क्या करते हैं, ये इसकी चिकित्सा यानी ऊपर की ओर अगर आ गया तो उसकी चिकित्सा के लिए बताए गए। क्या क्या बताए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या क्या? स्तंभन चिकित्सा, हाँ, कंठग्रह, विरेचन और छर्दी के विपरीत। हाँ ठीक, ये जो 4 चिकित्सा हैं किए जाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अनुवासन वस्तु के बाद कर्तव्य। तो अनुवासन वस्तु दे दिया आपने, तो उसके बाद हमें यही करना है कि द्रव उष्ण और लघु भोजन का उसको खिलाना है, और 3-3 दिन पर वस्तु देनी है, 3-3 दिन पर अनुवासन वस्तु देनी है, ठीक है। अनुवासन वस्तु का ये प्रॉपर जो है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक 3-3 दिन पर पच जाती है ऐसा माना जाता है, किसी का 5 दिन में बचता है, किसी का एक ही दिन में पच जाता है, लेकिन एवरेज आउट किया जाए तो 3-3 दिन पर देने का विधान सभी में है, ठीक है। तो द्रव उष्ण और लघु ये आहार आपको देना है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अनुवासन वस्ती के बाद हमें किस चीज के का सेवन करना चाहिए, तो धान्य नागर सिद्ध सड़ंग पानी, इसे सिद्ध किया हुआ धान्य नागर का क्वाथ आप बनाकर पी सकते हैं, या केवल उष्ण जल भी कार्य करने में सक्षम होता है, क्योंकि जो तेल होता है मंदाग्नि क्रिएट करता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है उष्णोदक या फिर धान्य नागर सिद्ध सड़ंग पानी है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आया हुआ प्रश्न है कि स्नेह जीर्णा इसमें जो है गर्म पानी से लाभ के बारे में पूछा गया था, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था, स्नेह जीर्ण जरयति श्लेष्माणं तद्विन हन्ति च, ये क्वेश्चन आया था, बोला गया था ये किसके फायदे हैं, ये किसके फायदे हैं। तो स्नेह के जीर्ण को खत्म करने के लिए गर्म पानी बेस्ट होता है, ठीक है, श्लेष्मा को भी खत्म करता है, क्योंकि श्लेष्मा को उष्णता से खत्म करता है और उष्णता से खत्म कर देता है, और
उष्ण जल जो है स्नेह के जीर्ण को भी खत्म करता है, ये आपने पहले ही पढ़ाई है। मारुत अनुलोम्यम च कुर्याद उष्ण उद्गम नृणाम वमने च वीरेकम च निरुहे सानुवासने तस्माद उष्णोदगम देयम वात श्लेष्म उपशांते। तो देखो सभी केसेस में वमन हो, विरेचन हो, बस्ती हो, गर्म जल ही सेवन कराना चाहिए। अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि क्या केवल तीन तीन दिन पर ही आपको क्या अनुभव हो है, तो ऐसा नहीं है, पेशेंट के ऊपर है। अगर मान लीजिए पेशेंट बहुत अधिक रुक्ष है, उसकी अग्नि बड़ी तीव्र है, तो आप उसे प्रतिदिन अनुवासन बस्ती भी लगा सकते हैं। या फिर जैसे कि उदावर्त से पीड़ित है, अनाज से पीड़ित, इन सब रोगों से जो है, उदावर्त वगैरह से, वात व्याधि से पीड़ित है, अग्नि देखिए जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए उसकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। तो रुक्ष नित्यस्तु दीप्ताग्नि व्यायामी मारुतामयी, ठीक है। तो इसमें आप कितने दिन पे, पर डे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्नेह जो है बहुत तेजी से पचेगा। स्नेह पाचन में उपमा बताई जा रही है यहाँ पर कि स्नेह पाचन किस प्रकार होता है। जिस प्रकार आप बालू पर पानी डालते हैं, कुछ देर में बालू उसको सोख लेता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जब आप पानी डालते हैं या फिर तेल डालते हैं, तो वो तेल धीरे धीरे सोख लिया जाता है। यही उपमा यहाँ पर दिया गया है। टाइम बोला गया है 3 दिन में त्रयाद, लेकिन यहाँ प्रायः शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ जो प्रायः शब्द है ये दिखा रहा है कि प्रायः यानी एवरेज में 3-3 दिन पर पचता है, कभी कभी 5 दिन में भी पचता है, कभी कभी 1 दिन में भी पचता है, लेकिन प्रायः 3 दिन में पचता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं आम तेल, 2 इंडिकेशन इसमें दिया गया है, आम तेल और बस्ती में जब अंदर डालते हैं बस्ती से, तो क्या हमें पूरा डाल देना चाहिए या थोड़ा बचा लेना चाहिए। तो आम तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह अभिशंत कारक होता है, गुदा को स्नेहित रखता है, गुदा को स्नेह बनाए रखता है। और जो है कि बस्ती यंत्र में पूरी की पूरी नहीं उसमें डाल देनी चाहिए, क्योंकि वायु प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं स्नेह पान तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्नेह वस्ती और अनुवासन का प्रयोग क्या कर सकते हैं साथ में, तो आंसर रहेगा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किस चीज को दूषित करता है, अग्नि और वायु को। यही 2 क्वेश्चन, क्या कर सकते कि नहीं, किस चीज को दूषित करता है, वायु और जठराग्नि, ठीक है। तो बताइए कि अनुवासन वस्ती प्रायः कितने दिनों पर करनी चाहिए, 3-3 दिन, ठीक है। अब बात आ रही है स्नेह वस्ती निरूहम धाम, एक साथ मतलब अकेले प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए अनुवासन बस्ती हो, निरु बस्ती हो, दोनों को एक साथ जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं बस्ती, और बस्ती जो है त्रिदोष नाशक होती है। तो एक केवल एक प्रयोग नहीं करते हैं, स्नेह वस्ती निरुहम व नय नय एक नयमेव अतिशीलिये उत्क्लेश अग्निवधो स्नेह अग्नि निरुवा पवनान भयम, ठीक है। इसमें जो है क्या है, दोनों एक एक के बाद एक करनी चाहिए, ठीक है। इन टोटलिटी त्रिदोष नाशक होती है, स्नेह शोधन युक्त बस्ती कर्म त्रिदोष, तो बस्ती कर्म को त्रिदोष सामक कहा है, बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहा जाता है चरक के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार कौन सी चीज अर्ध चिकित्सा होती है, शल्या नहीं, रक्त मोक्षण,
ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं मात्रावस्ती। तो मात्रावस्ती में कौन सी मात्रा का प्रयोग करते हैं? हर्ष मात्रा। ये जो मात्रावस्ती है ये रेगुलरली किया जा सकता है यथेष्ट आहार चेष्टस्य सर्वकालम निरति। इसमें कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। ह्रस्वाया स्नेह मात्रा या मात्रावस्ती समूह भवे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सदा मत शब्द याद रखिएगा, किसके लिए आता है? इसी के लिए आता है। अगर कोई व्यक्ति का पैर टूट गया है, वात भग्न हो गया, दुर्बले पात भग्ने च मात्रावस्ती सदा मत, ठीक है। तो ये जो है मात्रावस्ती के बारे में बताया जा रहा है आपको। मात्रावस्ती की उपयोगिता भी बता दी गई, मात्रावस्ती का गुण। तो मात्रावस्ती का वही गुण लगभग लगभग होगा जो कि रहा है अनुवासन का। बल्यम सुखोपचर्यम च सुखम श्रेष्ठ पुरीस्कृत नेह मात्रा विधानम ही बृहणम वात रोगुणत। बृहण करने वाला, वात रोगों को समाप्त करने वाला, ठीक है। मल मूत्र आदि जो है सुखपूर्वक आने लगते हैं। तो ये आज का जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले चैप्टर चैप्टर नंबर 5 के विषय में बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सर।